हर शहर हर राज्य का अपना अपना पकवान होता है जो उसके स्वाद के लिए पहचाना जाता है। ऐसा ही पकवान है बुरहानपुर की मावा जलेबी, जो कि बुरहानपुर के नाम से भी मशहूर है। या यूं कहें कि जलेबी के नाम से ही आज बुरहानपुर देश दुनिया में जाना जाता है। बुरहानपुर मावा जलेबी की दुकान शहर के बीच मार्केट में स्थित है और यहाँ प्रतिदिन कई कुंटल जलेबी बेची जाती है, जिसे शहर के अलावा बाहर से आने वाले पर्यटक भी बड़े चाव से खाते हैं और खाते वक्त उंगली चाटते हैं। कैसे बनती है मावा जलेबी? मावा जलेबी बनाने का सीधा सा फॉर्मूला है। मावा जलेबी बनाने के पूर्व मावे को कई घंटों घोटा जाता है। ये मावा घर में तैयार किया जाता है, फिर अच्छे से जांच परख कर एक कपड़े की सहायता से गर्म घी में जलेबी की आकृति बनाई जाती है। वो करीब 2 से 3 मिनट तपते हुए घी में रखा जाता है। जब जलेबी का रंग बादामी हो जाता है तो उसे पलटकर चिमटे की सहायता से उठाया जाता है और शक्कर की चाशनी में डाल दिया जाता है। यहाँ 3 मिनट रखने के बाद उसे दुकान में बेचने के लिए रख दिया जाता है और फिर खरीदारों की कतार लग जाती है मावा की जलेबी खाने के लिए। दुकान के संचालक हाजी अब्दुल करीम ने बताया कि उनकी जलेबी को बुरहानपुर में पधारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 बार खाया है। वह चुनाव के दौरान AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी जलेबी खाई है और अभी हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी बुरहानपुर पधारे थे तो कांग्रेसी नेताओं ने उन्हें बुरहानपुर की जलेबी खिलाई थी। ये जलेबी बुरहानपुर के अलावा बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी लुभाती है, जो खाए बिना नहीं रह पाते। कहा जाता है पकवान किसी भी शहर की पहचान होता है। बुरहानपुर शहर की पहचान है बुरहानपुर की मावा जलेबी। हम इस वक्त मौजूद है बुरहानपुर मावा जलेबी की दुकान पर। हमारे साथ मौजूद है दुकान के संचालक कलीम हाजी साहब, उनसे बात करेंगे किस तरह से ये मावा जलेबी बनाई जाती है और मावा जलेबी आखिर बुरहानपुर से कहाँ कहाँ जाती है और इसके पीछे क्या कारण होता है कि लोग अपनी उंगलियाँ चाट जाते हैं। कलीम जी, बताएं किस तरह से मावा जलेबी बनाई जाती है, क्या इसमें आपके द्वारा मिलाया जाता है और क्या कारण है कि ये देश भर घूमती है? बुरहानपुर जलेबी सेंटर के नाम से मेरा ये मेन ब्रांच है और मावा जलेबी तकरीबन 38 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर, और पिछले 38 सालों से मैं मावा जलेबी का काम कर रहा हूँ। कहाँ जाती है जी? करीब 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 कभी कभी आउट ऑफ कंट्री भी होती है और वैसे इंडिया के अंदर आए दिन चारों तरफ जाती है। जी मेरी जलेबी, एक तो बुरहानपुर जलेबी सेंटर के नाम से मेरी मेन ब्रांच यही है, दूसरा एक मेरा पॉइंट है जो कि है बम्बई में मोहम्मद अली में, तीसरा ये है खास बात इसे सूचना ये है कि जितनी भी और शहर में, शहर के अलावा बाहर जो जगह जगहों पे बुरहानपुर जलेबी सेंटर के नाम से जो भी जलेबी की दुकानें चल रही है वो सब डुप्लीकेट है, हमारी नहीं है, कृपया उससे सावधान रहे। जलेबी में खास बात क्या होती है, क्या डालते हैं आप लोगों का जलेबी में? उंगली चाटने को मिलती है। जी जी, खास बात तो यह है साहब कि हम क्वालिटी बहुत अच्छी तैयार करते हैं, जिसका मावा हम खुद तैयार करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको बनाते भी हैं और उसका पूरा ख्याल रखते हैं, वैरायटी के देखते हुए हम हमेशा मेंटेन करके चलते हैं। कितना समय लगता है जलेबी बनाने में? कितने? करीब 5-7 मिनट में घर निकलता है जी। तैयारी कब से की जाती है मावे की जलेबी बनाने की? ये सब सुबह से इसकी तैयारी करते हैं, तब जाके दोपहर में शुरू होती है, इसको 5-6 घंटे लग जाते हैं इसकी तैयारी कंप्लीट करने में। कहाँ कहाँ से लोग खाने आते हैं, किस तरह से? ये तो साहब बुरहानपुर शहर में जो भी बाहर से आते हैं वो हमारी जलेबी को खाए बगैर रहते नहीं है और वो सुनते हैं, काफ़ी नाम सुनते हैं, तो वो यहाँ पर जब आते हैं तो हमारी दुकान पर ज़रूर आते हैं। वो टेक भी मिला है बुरहानपुर जलेबी? जी जी, मुझे GI टेक प्रोसेस में है और अल्लाह ने चाहे तो बहुत जल्दी मिलेगा। दुकान के संचालक बताते हैं कि ये जलेबी देश के कोने कोने में जाती है। इसके अलावा विदेशों में भी यहाँ के रहने वाले लोग अपने परिजनों को मिठाई के तौर पर गिफ्ट के रूप में बुरहानपुर की जलेबी भेजते हैं और जब कोई विदेश से बुरहानपुर आता है तो यहाँ आकर जलेबी खाता है और जलेबी बनाने वाले संचालक से जलेबी के स्वाद की तारीफ करता है। जलेबी खाते वक्त लोग अपनी उंगली तक चाट जाते हैं। GI टैग भी मिल रहा है बुरहानपुर की जलेबी को। बुरहानपुर की जलेबी की गुणवत्ता को देखते हुए इसे GI टैग भी दिया जा रहा है।
जो कि शासन के नियमों के मुताबिक प्रोसेस की जा रही है और बहुत ही जल्द इसे GI टैग मिलने वाला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।